हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए कह रहा हूँ कुछ स्पेशल स्टेशनरी सेट्स हैं गिफ्ट। तो चलो दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इनके रिव्यू। और रिव्यू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूले। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर रखी है कुछ पेंसिल्स, और यहाँ पर रखे हैं आपके सामने कुछ जंबो शार्पनर, और साइड में रखी है कुछ इरेजर्स। काफी बेहतरीन बेहतरीन इरेजर्स मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलो दोस्तों इनके बारे में कुछ बात करते हैं, इनके प्राइस में आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले ले लेते हैं ये वाली पेंसिल दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी पेंसिल है फ्लोरो की पेंसिल है, नटराज प्रेजेंट करता है इस चीज को। अरे प्रिंस की हमारी पेंसिल होने वाले, ब्राइट पेंसिल फॉर चीयरफुल राइटिंग। इससे जो राइटिंग काफी अच्छी आती है दोस्तों। चलो इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। तो दोस्तों जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये पेंसिल हमको नजर आती है। ये देख सकते हो ये जो पेंसिल है काफी कलरफुल पेंसिल हो जाती है, और इनके ऊपर कुछ अलग अलग तरह की आपको शेप देखने के मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर हेक्सागन की एक शेप बनी हुई है, और जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर की है, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रायंगल की शेप बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्कल की शेप बनी हुई है। तो दोस्तों अलग अलग पेंसिल पे अलग अलग शेप बनी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग है, पेंसिल हो जाती है और काफ़ी कलरफुल पेंसिल है, और इनके पीछे आपको इरेजर देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही में एक हमें नटराज का शार्पनर हमें गिफ्ट में मिल जाता है दोस्तों। ये हमारा शार्पनर होने वाला है। अब दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस होने वाला दोस्तों ₹50 इसका प्राइस है। 10 पेंसिल हमें इसके अंदर मिल जाती हैं, जो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल हो जाती है। तो चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं, और दोस्तों आ जाते हैं इस साइड। दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है हमें स्कूटर की फ्रूट सीरीज की एक पेंसिल हमें मिल जाती है, जिसमें हमें 10 पेंसिल हमारी आती हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस हमें पड़ जाता है ₹60 पड़ जाती है दोस्तों। काफ़ी अमेजिंग होने वाली है पेंसिल, आप देख सकते हो कितनी कलरफुल पेंसिल होने वाली है। चलो दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएंगे सामने एक इरेजर और एक शार्पनर हमें देखने के लिए मिल जाती है। और ये देख सकते हो ये हमारे स्कूटर का एक शार्पनर है, और ये स्कूटर की एक इरेजर है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद बात करें तो यहाँ पर हमें स्कूटर की कुछ पेंसिल्स मिल जाती है, वो भी कलरफुल पेंसिल देखने के लिए मिल जाती है। देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग है। तो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग अमेजिंग यहाँ पर कलरफुल पेंसिल मिल जाती है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के जो डिज़ाइन हमारे बना के दे रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रॉबेरी का एक डिज़ाइन यहाँ पर बना के दे रखा है, और यहाँ पर ये मुझे पता नहीं शायद ब्लैक बेरी होगा, और ये जो ये ग्रीन एप्पल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसी अलग अलग प्रकार की फ्रूट्स इसमें बना के रख रखे हैं, और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेंसिल है, काफ़ी कलरफुल पेंसिल हमारी होने वाली है। और इनके आगे से देखें तो कुछ इस प्रकार से दिख जाती हैं, और पीछे से भी कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। तो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग पेंसिल होने वाली है। ये एक्स्ट्रा डार्क एंड स्मूथ राइटिंग देखें जो काफ़ी अमेजिंग बना देता है इस पेंसिल को। तो चलो दोस्तों उसको रख लेते हैं अपने पास। और दोस्तों बड़े आगे की तरफ तो यहाँ पर हमारे पास बच जाती है एक एब्सोल्यूट, मतलब अप्सरा की एक एब्सोल्यूट पेंसिल हमारी आ जाती है। आप देख सकते हो कि यह जो पेंसिल है काफ़ी अमेजिंग लग रही है। तो यहाँ पर एक शार्पनर हमें प्रीमियम का गिफ्ट में मिल जाता है, जिसमें एक आपको इरेजर प्लस में शार्पनर दोनों चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चलो दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेंसिल बाहर निकल के आ जाती है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इनका जो कलर है ये चारकोल ग्रे कलर की पेंसिल हमारी हो जाती है, ऊपर से ब्लू कलर आपको देखने के मिल जाता है। और ये देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल हो जाती है दोस्तों। अगर आगे से देखें तो कुछ इस प्रकार से दिख जाती है हेक्सागोनल इनका जो शेप होती है, और दोस्तों काफ़ी अमेजिंग बना देती है। यह एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है दोस्तों, चलो इनको रख लेते हैं अपने पास। दोस्तों बड़े आगे की तरफ तो यहाँ पर मिल जाते हैं हमें स्कूटर की एक और पेंसिल मिल जाती है दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर स्कूटर की फ्रूट सीरीज की एक और पेंसिल मिल जाती है। इससे पहले जो हमने देखी थी वो दूसरे फ्रूट सीरीज की पेंसिल थी, और ये दूसरे फ्रूट सीरीज की पेंसिल हमें देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस हमारा होने वाला है ये देखो ₹80। ये सबसे महंगी पेंसिल है दोस्तों अभी तक की, ₹80 की ये पेंसिल हमें मिलती है, 10 पीस हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या हमें इसके अंदर देखने के मिलता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है पेंसिल, और ये देख सकते हो दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक शार्पनर स्कूटर का एक इरेजर देखने के मिल जाती है, और यहाँ पर कलरफुल आपको पेंसिल देखने के मिल जाती है, आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग है। तो चलो देखते हैं इस पेंसिल पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ।
मेट्रोम रिसाइकल पेपर। तो दोस्तों एक खास बात एक और मैं बता दूं, ये जो है रिसाइकल पेपर से बनी हुई सारी की सारी पेंसिल है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर इसके ऊपर बनी हुई है। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और दोस्तों बड़े आगे की तरफ। तो दोस्तों ये दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर एक यूनिकॉर्न का एक शार्पनर हमें देखने के मिल जाता है जो काफ़ी अमेजिंग है, आप देख ही रहे होंगे। इसकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों 110 रुपये का प्राइस ही हमें पड़ जाता है ऑफलाइन मार्केट से। तो चलो दोस्तों मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये ओपन करके मैंने कुछ इस प्रकार से आपको दिखा दिया है, यहाँ पर ऐसे करके दिख जाता है हमें, काफ़ी अमेजिंग यूनिकॉर्न का शार्पनर होने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पेंसिल को अगर इसके अंदर डालते तो अगर इसे घुमाते तो पेंसिल शार्प होने लगती है दोस्तों, ये काफ़ी अमेजिंग है। तो बाय हैंडल ही शार्प होता है, अगर इसका डस्ट बाहर निकाल लो तो दोस्तों इसे ओपन करो, यहाँ से इसे ओपन करके से और यहाँ से जो इसका डस्ट है बाहर फेंक सकते हो। तो चलो दोस्तों दोबारा से इसको बंद कर सकते हो और दोबारा से इसको रख सकते हो। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाती है एक और पेंसिल हमें देखने के मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाता है हमें स्कूटर की एस्ट्रोनॉट की कुछ पेंसिल हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, और यहाँ पर 10 पेंसिल हमें देखने के मिल जाती है। इसके जो इमेजिंग है काफ़ी अच्छी लगती है, आप देख सकते हो काफ़ी अल्ट्रा इसके इमेज बना रखी है। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 60 रुपये की पेंसिल हमें पड़ जाती है जिसमें हमें 10 पेंसिल हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलो दोस्तों इसको भी कर लेते हैं ओपन। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा एक शार्पनर बाहर निकल के आ जाता है, एक इरेजर बाहर निकल के आ जाती है दोस्तों। और इन पेंसिलों की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से पेंसिल हमें देखने के मिल जाती है जो काफ़ी अमेजिंग एस्ट्रोनॉट की जो कलरफुल पेंसिल है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों देख सकते हो तो कितनी कलर और वैरायटी इसमें पेंसिल में आपको देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी अमेजिंग। में एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा डार्क एंड स्मूथ स्कूडल की पेंसिल में मिल जाती है, यहाँ पर अर्थ और मून आपको देखने के मिल जाएगा इस पेंसिल पे, और यहाँ पर ये अलग प्लैनेट आपको देखने के मिल जाएगा जो मुझे पता नहीं है दोस्तों, काफ़ी अलग है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट आपको देखने के मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ वैरायटी अलग अलग चीज़ें आपको देखने के मिल जाएंगी इन पेंसिलों पे, जिसको काफ़ी अमेजिंग पेंसिल बनाते हैं इस चीज़ को। तो चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं अपने पास। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो दिखा दूं दोस्तों ये वाली पेंसिल्स, मैं आपको बता दूं डोम्स की पेंसिल है, काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। इसमें हमें 5 पेंसिल हमें देखने के लिए मिल जाती है जो काफ़ी अमेजिंग है, डोम्स की जियो पेंसिल को बोलते हैं, सुपर डार्क पेंसिल होती है दोस्तों। और इनकी MRP की बात करूँ तो दोस्तों 30 रुपये की हमें पड़ जाती है ओनली, सिर्फ 5 पेंसिल्स। चलो मैं इनको ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो पेंसिल्स हैं कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार की पेंसिल है जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो। टॉम्स की जियो सुपर डार्क पेंसिल कुछ इस प्रकार से होती है, हेक्सागनल इनका शेप होता है और इसके ऊपर जो कुछ इरेजर आपको देखने के लिए मिल जाती है, और ये अलग अलग वैरायटी में अलग अलग कलर की आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल्स हैं दोस्तों, काफ़ी इनक्रेडिबल पेंसिल होने वाली हैं। चलो इनको रख लेते हैं इसको भी पास अपने, और बड़े आगे की तरफ। तो दोस्तों ये क्या दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल जाता एक डीनियो का एक शार्पनर मिल जाता है, वो इलेक्ट्रिक शार्पनर जो हमें 150 रुपये का पड़ता है ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग शार्पनर है हमारा, हमें इसे ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें शार्पनर होने वाला है, ये देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग है, आप देख सकते हो इसकी लुकिंग काफ़ी इनक्रेडिबल, और जब पिंक कलर का काफ़ी अमेजिंग दिख रहा होगा दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ पर पेंसिल लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक ये पेंसिल शार्प करने लगता है। ये दोस्तों मैं इसको यहाँ पर शार्पनर को लगा के देखता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने इसको इसके अंदर पेंसिल डाली है ऑटोमेटिक शार्प होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रिक शार्पनर जिसे हम बोलते हैं, जो काफ़ी अमेजिंग है, ऑफलाइन मार्केट से हमें 150 रुपये का देखने के मिल जाता है। चलो दोस्तों इसको रख लेते हैं अपने पास। बड़े आगे की तरफ तो दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है हमें स्कूटर की प्लांट टेबल पेपर पेंसिल, जो प्लांट अगर लगाना पसंद करता तो उसके लिए पेंसिल बहुत ही काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी इनक्रेडिबल पेंसिल होने वाली है, जिसमें हमें मिल जाते हैं कुछ बीच में कुछ सीड्स मिल जाते हैं, एक मस्टर्ड चिली टमाटो कोरिएंडर और फेंगुरी की हमें सीड्स इसके अंदर मिल जाती है। तो चलो दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। और दोस्तों यहाँ पर 10 पेंसिल्स हमें मिल जाती हैं, और इसकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों 99 रुपये हमें देखने के मिल जाते हैं जो MRP है ऑफलाइन मार्केट से। तो चलो दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेंसिल हमें देखने के मिल जाती है, जो प्रॉपर वाइट पेंसिल है और ग्रीन कलर से इन पर कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ इस पेंसिल पे ये भी लिखा हुआ है कि इस पेंसिल पे कौन सा सीड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको बता दूँ ये प्लांटेबल पेंसिल
इसमें टमाटो का सीड्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कोरिएंडर का सीड्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें मस्टर्ड का आपको सीड देखने को मिल जाएगा और इसमें फेंगुर का सीड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब दो दो सीड्स आपको पेंसिल मिल जाएंगे, क्योंकि 10 पेंसिल हमें मिलती हैं, दो पेंसिल्स में सेम कलर के सीड्स आपको देखने के मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ऊपर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है और पीछे से ग्रीन प्रकार की होती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जब पूरी फिनिश कर लोगे ना इस पेंसिल को, उसके बाद यहाँ पर आपको सीड्स देखने के मिल जाती हैं। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाता है एक और शार्पनर मिल जाता है, जो हैंड वाला शार्पनर देखने के मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इसे हम घुमाते तो हमारी पेंसिल शार्प होने लगती है, आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर इस पेंसिल को हम लगाते हैं दोस्तों, ये देखो पेंसिल हमने लगा दिया है और दोस्तों फिर ऐसे करके हमें घुमानी होती है दोस्तों, तो इससे पेंसिल हमारी शार्प हो जाती है। तो काफ़ी अमेजिंग ये हमारा शार्पनर होने वाला मिक्की माउस का, देख सकते हो दोस्तों। और इसके MRP की बात करूँ तो 140 रुपये का हमें पड़ जाता है बाहर मार्केट से, जो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी मस्त ये हमारा शार्पनर हो जाता है, बहुत ही बढ़िया पेंसिल को शार्प करता है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर हमें मिल जाती है फ्रूट्स वाली कुछ इरेजर आपको देखने के मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है। चलो दोस्तों मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें फ्रूट्स के जो ये कटे हुए जो चोप हैं हमें नज़र आ जाते हैं, जो काफ़ी अमेजिंग इरेजर देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, अगर बाहर मार्केट की बात करूँ तो ये 70 रुपये की हमें देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग इरेजर हो जाती हैं। तो चलो दोस्तों इन्हें भी रख लेते हैं अपने पास। और दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाती है डॉम्स की एक्स्ट्रा डार्क ट्रायंगल वाली पेंसिल हमें देखने को मिल जाती है, जो ट्रायंगल कोन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलो दोस्तों इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद ये जो पेंसिल मैंने निकाली है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाती है, ये देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेंसिल देखने के मिल जाती है, ये हमारी ट्रायंगल शेप में मिल जाती है, इसलिए इनका नाम रखा हुआ है ट्रायंगल। तो डॉम की ट्रायंगल पेंसिल हो जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है। और इनकी MRP की बात करें तो दोस्तों 40 रुपये की हमें पड़ जाती है बाहर मार्केट से। और इनका MRP दिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पेंसिल 40 रुपये में मिल जाती हैं, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। और इसके अंदर भी हमें एक शार्पनर के इरेजर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं अपने पास और बढ़े आगे की तरफ। तो जहाँ पर एक और डॉम्स की अल्ट्रा डार्क पेंसिल हमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है, आप देख ही सकते हो। और उसकी पिक्चर क्वालिटी आप ऊपर से ही देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है। और इसकी MRP की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 60 रुपये की हमें पड़ जाती है, 10 पेंसिल हमें मिल जाती है देखने के 60 रुपये की, जो काफ़ी अमेजिंग है। आपको बता दूँ 60 रुपये हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 10 पेंसिल हमें इसमें मिल जाती हैं और एक पेंस एक शॉर्पनर और एक इरेजर भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो चलो दोस्तों इन्हें निकाले तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के मिल जाती हैं। यहाँ पर एक इरेजर आपको सॉफ्ट इरेजर देखने के मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एक शार्पनर देखने के लिए मिल जाती है, क्रिस्टल शार्पनर होने वाला है हमारा दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। और दोस्तों पेंसिल्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से पेंसिल हमारी हो जाती है, जो काफ़ी लाइट कलर की हमें पेंसिल देखने के मिल जाती है। डॉम्स की जूम की ये पेंसिल एक्स्ट्रा डार्क वाली पेंसिल हमें हो जाती हैं और ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के मिल जाती है, जो कि ट्रायंगल शेप में है। तो चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पर एक और हमें शार्पनर देखने के मिल जाता है, यहाँ पर जंबो शार्पनर है, बाय हैंड वाला शार्पनर है। और दोस्तों ये पत्ता है, अगर इसे हम दबाते हैं तो इसके अंदर हमारी पेंसिल चली जाती है, फिर इसके बाद हम इसे रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके MRP की बात करूँ तो 80 रुपये का हमें बाहर मार्केट से मिल जाता है, जो काफ़ी अमेजिंग शार्पनर होने वाला है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा शार्पनर लगा है, आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें स्कूडल की कुछ पेंसिल हमें देखने की मिल जाती हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सीरीज़ की हमें स्कूडल की पेंसिल देखने के मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है। इसमें 10 पेंसिल हमें मिल जाती हैं और इसके MRP की बात करें तो 60 रुपये की MRP में हो जाती है। और दोबारा से इसके पेंसिल्स की बात करें तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों इसके साथ जो एक शार्पनर और इरेजर फिर से मुफ्त मिल जाते हैं। और इसकी सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम और एनिमल्स कुछ आपको इमेजेस देखने के मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मंकी देखने के मिल जाएगा, यहाँ पर टाइगर है, यहाँ पर जिराफ है, फिर मंकी, फिर एलिफेंट और यहाँ पर टाइगर फिर दोबारा आ जाता है दोस्तों। तो काफ़ी अमेजिंग आपको अलग अलग कलर की आपको पेंसिल देखने के मिल जाती हैं और अलग अलग एनिमल्स के आपको नाम इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे और इमेजेस आपको देखने के मिल जाएंगे, जो काफ़ी अमेजिंग बनाती है दोस्तों, काफ़ी इनक्रेडिबल है ये एनिमल वाली सीरीज़। मुझे तो वाकई में बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास
और बढ़े आगे की तरफ तो दोस्तों यहाँ पर हमें डॉम्स की सुपर डार्क HB2 वाली पेंसिल मिल जाती है जो ग्रुप इनोवेटिव ग्रुप पेंसिल है, प्रोटेक्ट करता है ग्रिप के लिए, तो खास कर ये ग्रिप के लिए बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप इसके होल देख लोगे, ये प्रॉपरली हमें ग्रिप देती है। दोस्तों जब लिखते हैं पसीने आ जाते हैं किसी के हाथों में तो जिससे उसकी ग्रिप नहीं बन पाती, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बनती है और हैंड राइटिंग हमारी काफ़ी अच्छी आती है। दोस्तों मैंने इसे ओपन कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर ओपन करें तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक डॉम्स की हमें इरेजर देखने के मिल जाती है और यहाँ पर डॉम्स का क्रिस्टल शार्पनर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और इसकी पेंसिल्स की बात करें तो इसका जो ब्लू कलर है वाकई में बहुत इनक्रेडिबल लगता है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। देख सकते हो दोस्तों इसका जो कलर है काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये ग्रिप वाली पेंसिल में देखने के लिए मिल जाती है जो काफ़ी अमेजिंग है। और दोस्तों इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों इसकी 60 रुपये की पेंसिल में देखने मिल जाती है जो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल हो जाती है। और जैसे ग्रिप है प्रॉपर तरीके से ग्रिप इसमें बन जाती है। और इसकी शेप की बात करूँ तो ट्रायंगल इसमें शेप देखने के मिल जाती है आपको, जो कि काफ़ी अमेजिंग बनाती है दोस्तों। और दोस्तों बड़े आगे की तरफ तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ इरेजर देखने की मिल जाती है, टूल वाली इरेजर है तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ये देख सकते हो। और यहाँ पे हमें फिशिंग वाली इरेजर देखने की मिल जाती है, ये भी काफ़ी अमेजिंग इरेजर देखने की मिल जाती है दोस्तों, हमें 10 रुपये की भारतीय मिल जाती है दोस्तों। और बड़े आगे की तरफ तो दोस्तों हमें मिल जाते हैं एक डोरेमोन का शार्पनर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं ओपन करके। दोस्तों जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, ये हमारा डॉम्स का शार्पनर मिल जाता है काफ़ी अमेजिंग। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मिल जाता है हमें 170 रुपीज़ का, जो कि अब तक का सबसे कॉस्टली हमें डॉम्स का शार्पनर है ये 170 रुपीज़ का, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। इसका डस्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है अगर इसकी बात करें, और अगर इसकी बात करें पेंसिल शार्प करने की, यहाँ पर पेंसिल लगाओ इसे फिर हैंडल को घुमाओ पेंसिल शार्प होने लगती है। तो दोस्तों ये डॉम्स का मीस ये डोरेमोन का शार्पनर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, इसकी जो शकल है काफ़ी क्यूट लग रही है। चलो दोस्तों इसको रख लेते हैं अपने पास। और दोस्तों बड़े इधर तो डॉम्स के हमें एक और मिल जाती है सुपर डार्क पेंसिल में देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, आप बाहर से देख ही रहोगे तो कैसी लग रही है, काफ़ी इनक्रेडिबल है। X1 मेड इन इंडिया डॉम्स की पेंसिल है दोस्तों। और इसकी MRP की बात करूँ तो MRP दोस्तों 50 रुपये की MRP पड़ जाती है, 10 पेंसिल में इसमें देखने को मिल जाती है, और एक शार्पनर और एक इरेजर हमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग बनाती है इस पेंसिल्स को। तो चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं अपने पास। और बड़े दोस्तों इधर की तरफ से यहाँ पर स्कूटर की मोस्टर वाली पेंसिल हमें देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें 10 पेंसिल हमें देखने को मिलती हैं। और इसकी MRP की बात करूँ तो दोस्तों MRP हमें पड़ जाती है दोस्तों 60 रुपये में MRP पड़ जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। तो चलो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ मोस्टर वाली पेंसिल कैसी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी मोस्टर वाली पेंसिल जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी इनक्रेडिबल मोस्टर वाली पेंसिल होने वाली है। तो आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के इसमें मोस्टर बने हुए हैं, यहाँ पर ये मोस्टर अलग है, ये मोस्टर अलग है, ये देख सकते हो अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के मोस्टर बने हुए, जो काफ़ी अमेजिंग बनाते हैं इस पेंसिल को। और आप कौन कौन इसे पसंद करता है मोस्टर वाली पेंसिल को प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इरेजर का कलेक्शन आपको बता दूँ तो यहाँ पर हमें कैंडी वाली इरेजर देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हो आइसक्रीम वाली इरेजर है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, इनक्रेडिबल है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मिल जाती है हमें दूरबीन वाली एक इरेजर देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है दोस्तों। और ये है दोस्तों हमारी स्कूल बैग वाली इरेजर है दोस्तों, यहाँ पर आ जाती है हमारी टोपी वाली हैट वाली इरेजर आ जाती है, यहाँ पर एक पांडा वाला इरेजर आ जाती है, जो कि इसके पीछे एक शार्पनर भी लगा हुआ है बैग के पास दोस्तों। यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राई की इरेजर मिल जाती है देखने को, जो काफ़ी अमेजिंग बनाती है इस चीज़ को। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मिल जाती है इंजेक्शन वाली एक इरेजर मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है दोस्तों। और साथ ही में मिल जाता है दोस्तों कैप्टन अमेरिका वाली इरेजर, जो काफ़ी इनक्रेडिबल लग रही है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। और इसके साथ में मिल जाती है हमें एक आइसक्रीम वाली इरेजर, जो काफ़ी अमेजिंग लग रही है। और यहाँ पर हमें मिल जाती है हार्ट वाली इरेजर, ये देख सकते हो कितनी इनक्रेडिबल लग रही है। और यहाँ पर मिल जाती है हमें पेट्रोल डीजल वाला एक कैन की इरेजर मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। और दो इरेजर बची यहाँ पर, एक मिल जाती है हमें कॉम्ब वाली इरेजर, जिसे हम अपने बाल बनाते हैं दोस्तों, और एक मिल जाती है ब्रेड वाली इरेजर, जो हम नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा कलेक्शन आज का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से कलेक्शन के साथ। और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को कर देना लाइक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।